रिलेटिव वेलोसिटी की गेम है। एक ट्री है, करेक्टर्स सुन लो पहले कहानी के, एक पेड़ है, एक बॉय है भागता जा रहा है 16 के साथ 16 मीटर पर सेकेंड, एक मैन है 2 मीटर पर सेकेंड, एक बर्ड है वो 20 मीटर पर सेकेंड के साथ टेढ़ा उड़ रहा है ऐसे 20 एट एन एंगल ऑफ 37 विद एक्स एक्सिस। ये 37 का क्या मतलब, क्या और कोई दुनिया में एंगल नहीं मिला 37? और 60 ले ले, 45 ले ले, भाई 30 ले ले, 37 37 का एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस क्या है याद कर लो, कॉस 37 जो होता है ना वो 4/5 होता है, और साइन 37 जो होता है वो 3/5 होता है। आपको के फिर उससे क्या, उससे ये फिगर देखो, 4 5 3 राइट एंगल ट्राइंगल के फिगर हैं, 3 4 तो पाइथागोरस से 5। इसलिए क्योंकि जब आपको कॉस 37 निकालना होता है कई बार दो साइड्स गिवन होती हैं 3 और 4, चौथी 1 मिनट में 5 निकल आती है। राइट एंगल में पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, 3 4 5 का कॉम्बिनेशन चलता है। पर इन एनी केस आप इसको याद ही करेंगे, आपने कौन सा ट्राइंगल बनाने हैं तो कॉस 37 याद करें, साइन 37 भी याद करें। क्लियर है यहाँ तक? आगे अब ये जो बर्ड है ना ये 20 के साथ उड़ रहा है, इसकी एक्स में वेलोसिटी कितनी है 20 cos 37 और वाई में कितनी है 20 sin 37। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किया हमने, कंपोनेंट्स ले लिए, तो कॉस 37 की वैल्यू 4/5 पुट करेंगे तो आंसर 16 आएगा। तो एक्स में वेलोसिटी कितनी है 16 और साइन 37 पुट करेंगे तो वाई में वेलोसिटी कितनी आएगी 12। बर्ड एक्स वाई प्लेन में उड़ रहा है, बाकी सब एक्स में चल रहे हैं। चार इसमें चार करेक्टर हैं, ट्री भी एक करेक्टर है, पेड़ भी है, पेड़ रोल प्ले करेगा और बॉय मैन बर्ड। करें स्टार्ट। क्वेश्चन है, ये सब भाग रहे हैं, कोई खड़ा भी है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड। अरे बर्ड आपको गेट 20? ना भाई ना, बर्ड ट्री मैन एज सीन बाय बॉय। अब बॉय की क्या, बॉय भाग रहा है, भागते भागते उसको चीजें कुछ अलग नजर आएंगी, चलते हुए बंदे को अलग नजर आ रही है। अब जैसे सपोज करो मैं आपको इनफॉर्मल लैंग्वेज और फॉर्मल लैंग्वेज का डिफरेंस बताता हूं। हम बस में बैठे हैं, है ना, मैंने आपसे पूछा कि भाई हम कहाँ, ये दिल्ली आ गई, दिल्ली आ गई, वो आपने कहा दिल्ली तो कब की निकल गई भाई, निकली दिल्ली थोड़ी ना थी, निकली तो निकले तो तुम हो, तुम बस उठा के निकले हो, दिल्ली तो वहीं खड़ी है, ऐसी है ना। अच्छा दूसरा एग्जांपल, कॉमन लैंग्वेज, मैं बस में बैठा हूँ, हम सब बस में बैठे हैं, आपने कहा देखो कितनी स्पीड में बस चल रही है, पेड़ देखो पीछे जा रहे हैं, पेड़ कैसे पीछे जा रहे हैं भाई, तुम स्पीड से आगे जा रहे हो, पेड़ थोड़ा पीछे जाता है, आप आगे जाते हो। लेकिन हम ये ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते नहीं है, जैसे सपोज दो कार्स रेस लगा रही थी, मैं ए ड्राइवर हूँ ये बी है, तो आपने पूछा कि बी कहाँ पे है, मैंने कहा यार वो तो मैंने कब का पीछा छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया मैंने, वो पीछे रह गया या वो पीछे चला गया, वो नहीं पीछे गया, मैं आगे आ गया। लेकिन ह्यूमन की जो सोचने की टेंडेंसी है वो यही है कि मैं तो रेस्ट पे बैठा हूं, चल तो ये रहा है, बस में मैं तो रेस्ट पे हूं, चल पेड़ रहे हैं, मैं तो रेस्ट पे हूं, दिल्ली अंबाला सब निकलते जा रहे हैं पर मैं रेस्ट पे हूं। पॉइंट समझ में आ रहा है? और सच में वही तो बात है, क्योंकि हम होते तो रेस्ट पे ही हैं बस के मुकाबले, हम ग्राउंड को तो देख नहीं रहे, हमारे हिसाब से अगर हम रेस्ट पे हैं, हम सच में चलते लगता है कि पेड़ ही चल रहे हैं, हम तो चल नहीं रहे। पॉइंट समझ में आ रहा है? सड़क पीछे जा रही है, हम आगे, हम तो रेस्ट पे हैं लेकिन एक्चुअल में हम जा रहे होते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? यही रिलेटिव वेलोसिटी है। देखो कैसे, अब इस बॉय से ये पूछा कि ट्री की वेलोसिटी बता। अब देखो आप ग्राउंड पे बैठे हो, आपने कहा ट्री की वेलोसिटी, ट्री की वेलोसिटी, ट्री तो रेस्ट पे, आंसर जीरो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला बंदा इसको रेस्ट पे कहेगा, कोई डाउट नहीं। अब ये बंदा क्या कहता है, बॉय कहता है, बॉय भागे जा रहा है भागे जा रहा है, उससे पूछ रहे ट्री की वेलोसिटी कितनी है। अब वो सोचता है मैं तो हूं रेस्ट पे, वो कह रहा है देखो ट्री पीछे रह गया, ट्री पीछे जा रहा है, ट्री पीछे, भाई ट्री नहीं पीछे जा रहा, तू भाग के ट्री के दूर जा रहा है, ट्री से दूर जा रहा है। लेकिन बोल क्या रहा है कि देखो ट्री पीछे रह गया, ट्री पीछे छूटता जा रहा है, ट्री पीछे रह गया, ट्री पीछे की तरफ मूव कर रहा है। तो वो अपना आंसर कैसे दे रहा है, अपने आप को क्या मानते हुए, और यही तो रिलेटिव वेलोसिटी, अपने आप को किस में मान लेना, एट रेस्ट। तो आप बताओ अगर ये खुद आगे जा रहा है तो लोगों को क्या कहेगा कि ट्री कहां जा रहा है, पीछे। अगर ये आई कैप में जा रहा है
तो ट्री कहाँ जा रहा है, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। इसकी स्पीड क्या है अगर 16, तो कहेगा ट्री पीछे जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 16, खुद तो रेस्ट पे मान रहा है 16 माइनस आई कैप, तो खुद को रेस्ट पे मानते हुए लोगों की वेलोसिटी जज कर रहा है, तो माइनस आई कैप। समझ में आया यहाँ तक? जैसे फिर देखते हैं ये चीज क्लियर है, जैसे इस बॉय से पूछा कि मैन की स्पीड कितनी है, अब वो कहता है यार खुद तो 16 में भाग रहा है, खुद तो कह रहा है मैं रेस्ट पे हूँ, कह रहा है मैन बड़ी तेजी से मेरे पास आ रहा है, मैन थोड़ा तेजी से पास आ रहा है, वो खुद तेज जा रहा है पर खुद को किस पे मान रहा है, रेस्ट। अब टू बॉडीज आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उसको लग रहा है कि मैं तो रेस्ट पे हूँ और ये मैन मेरी तरफ 18 की स्पीड से आ रहा है, 16 + 2 = 18। जब दो बॉडीज ऑपोजिट होती हैं तो ऐड करते हैं वेलोसिटीज, तो उसको लग रहा है कि ये मैन 18 की वेलोसिटी से मेरे पास आ रहा है इस तरफ, इस तरफ का मतलब माइनस आई कैप, आंसर। अब अगर वो बर्ड को देखता है, बर्ड को देखता है कि बर्ड की स्पीड कितनी है, अब बर्ड की दो वेलोसिटीज हैं, एक एक्स में और एक वाई में, तो मैन आगे जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 16 और बर्ड की एक्स में वेलोसिटी कितनी है 16, बॉय आगे जा रहा है और बर्ड भी आगे जा रही है 16 16, तो बॉय की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बर्ड एक्स एक्सिस में कितनी है 16 में 16 गया क्या 0, तो वो कह रहा है कि बर्ड एक्स एक्सिस पे मूव नहीं कर रहा, बिल्कुल सही है। लेकिन वाई एक्सिस की अगर बात करते हैं तो खुद वाई में तो जा नहीं रहा, तो वाई एक्सिस में कहेगा कि बर्ड ऊपर जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 j। तो आंसर देख रहे हो, हर बंदे से जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो अपने आप को किस पे मान रहा है, मैं तो रेस्ट पे हूं, दुनिया ही चल रही है मेरे आसपास। अब देखो फिर से वेलोसिटी ऑफ बर्ड ट्री फिर निकालो, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब मैन से पूछो, ये देखो मैन खुद भागे जा रहे ट्री की तरफ और पूछ रहे भाई ट्री की वेलोसिटी क्या है, कहते हैं मुझे लग रहा है ट्री मेरे पास आ रहा है, खुद को तो रेस्ट पे मान रहा है, कह रहा है ट्री मेरे पास आ रहा है, कहां आ रहा है इस तरफ, 2 i कैप, आंसर 2 i कैप, ठीक है। अब मैन से पूछा कि बॉय की वेलोसिटी कितनी है, खुद तो रेस्ट पे मान रहा है, कह रहा है बॉय मेरी तरफ आ रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 i कैप। तो पॉइंट समझ में आया कि हर कोई आंसर कैसे देगा, अपने आप को रेस्ट पे मानते हुए।